देश में कोरोना से लड़ने के लिए टीकाकरण पर खास जोर दिया जा रहा है। पहले की तुलना में अब वैक्सीनेशन की गति भी काफी तेज हो चुकी है। रोज नए रिकॉर्ड स्थापित किए जा रहे हैं और आज हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है। देश में वैक्सीनेशन ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार और प्रशासन ने जनता को रिझाने के लिए कई तरीके आजमाए, जिसका नतीजा है कि महज 9 महीनों में ही देश ने नया कीर्तिमान रच दिया। वहीं इसी बीच खबरफास की टीम ने कई राज्यों में पहुंचकर जमीनी स्तर पर जानकारी ली, जहां चंडीगढ़ में अस्पतालों में 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर रंगोली बनाकर खुशी जताई गई। कोरोना से जंग के बीच आज एक बड़ा दिन देश भर के लिए है, क्योंकि देश भर में 100 करोड़ के करीब वैक्सीन डोजेस जो हैं वो लोगों को लगाई जा चुकी हैं। 100 करोड़ आज पूरे हो चुके हैं और इसे एक बड़े उत्सव के तौर पर सभी जगह मनाया जा रहा है। चंडीगढ़ में अब तक हमारी 109% फर्स्ट डोज कवरेज हो चुकी है और 61% सेकेंड डोज की कवरेज हो चुकी है, और जिस हिसाब से हमारी चल रही है थोड़े ही दिनों में हमारी सेकेंड डोज की भी 100% वैक्सीनेशन हो जाए। सर, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने 100 करोड़ पॉपुलेशन को कवर कर लिया है। एक इंटरनेशनल लेवल पे हमने इसको कवर किया है और ये इंटरनेशनल प्रोग्राम ही बन गया कोविड वैक्सीनेशन, और बहुत हमें अच्छा लग रहा है, एक अच्छा प्राउड फील हो रहा है और हमें खुशी भी है। हाँ, यहाँ पे डेली की जो वैक्सीनेशन हमारी रहती है 300-400 के अराउंड रहती है, डेली की 500 तक भी जाती है रेशो, और क्या बोलते हैं, हम उसको कवर कर रहे हैं। तो वहीं हिमाचल, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में लोगों में काफी उत्साह दिखा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक हफ्ते पहले ही नया रिकॉर्ड कायम कर लिया गया था। किन्नौर देश का पहला ऐसा जिला बन गया था जहां सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं। वहीं आज 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने में हिमाचल की भी अहम भूमिका रही है। कोरोना के खिलाफ भारत में जंग लगातार जारी है। आज तक जो आंकड़ा है वो ये है कि 100 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लग चुकी है। खुशी की बात है, और ये खुशी की बात हिमाचल प्रदेश के लिए भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के खिलाफ सरकार लगातार वैक्सीनेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। वैक्सीनेशन की पहली डोज की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने 100% लोगों को वैक्सीनेशन लगाई, यानी जो कुल आबादी है उसको पहली डोज वैक्सीनेशन लगाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना, और इसके लिए केंद्र सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश की तारीफ की। तो वहीं जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह दिखा और लोगों ने पीएम समेत कोरोना योद्धाओं का धन्यवाद किया। इसके इधर उत्तराखंड ने कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान में एक अहम पड़ाव पार कर लिया। राज्य में अब तक वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा खुराक लगाई जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 18 साल से ज्यादा आयु के तकरीबन 94% व्यक्तियों को पहली खुराक लग गई है। पिछले 5 महीनों में कोरोना टीकाकरण अभियान ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। सितंबर सबसे अच्छा महीना रहा, जिसमें लगभग 80 लाख डोज हर दिन लगाए गए, और अब 100 करोड़ का मुकाम हासिल भी देश ने कर लिया है। खबर फास्ट अपील करता है, अभी तक जिसने भी वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली है वो जरूर लगवाए और इस कोरोना महामारी से खुद को बचाएं। गांव गांव, शहर शहर।